मैं डॉक्टर तरवंत सिंह, मेरा जन्म 3 सितंबर 1925 होया सी। मदर डॉक्टर निहाल कौर ते फादर डॉक्टर रणवीर सिंह सी। जिस वेले मेडिकल ऑफिसर बनारे लगे सी उस वेले मेरा जन्म 3 सितंबर 1925 होया सी। जिथे जाते मैं ना रखते सी पढ़ाते रहते सी। मैं 10वीं 1948 पास करके फिर मैं 1948 11वीं जमात च गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर च रह गया। उत्थे मैं 1948 ते 42 11वीं ते 12वीं पास की और 1943 12वीं पास करके फिर मैं MBBS वास्ते बालकरा मेडिकल कॉलेज लाहौर सर गंगा राम हॉस्पिटल दाखिल होया। उत्थे 1947 तक मैं रहा। जब मैं फाइनल ईयर MBBS सी ते पाकिस्तान बंद करके उतों आना पिया ते फिर मैं मेडिकल कॉलेज पटना प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज बठिंडे उत्थे जाके फिर मैं दाखला फाइनल ईयर च लिया। उत्थे फाइनल ईयर मैं मई 1948 MBBS पास करके वापस आ गया। तो वापस आने मैंने रियासत पटियाला से उस वे रियासत पटियाला ने मैं 18 अगस्त 1948 मैं मेडिकल ऑफिसर रजिंद्रा हॉस्पिटल ला दिता जी कि पोस्ट नॉन गजटेड असिस्टेंट सर्जन कौड़ी सी। रजिंद्रा हॉस्पिटल अपनी ड्यूटी शुरू कर 1953 मैं वापस आ गया। तो उस वे मेडिकल कॉलेज बनना शुरू होया। तो उस मैं सोचा कि बगैर डिग्री दे टीचर नहीं बन सकते। तो वो सोचते उन्होंने दिनों होर कोई चारा से मैं इंग्लैंड दाखला ले लिया FRCSI च। तो उ मैं दाखले तो बाद मैं सितंबर 1954 अपनी वाइफ के नाल बॉम्बे गए। बॉम्बे तो असी समुद्री जहाज स्टैथेड चले तो 17 दिन के सफ़र तो बाद असी उत्थे लंडन पहुँचे। लंडन जाके असी दाखला ले लिया। तो उस प्राइमरी FRCA की ट्रेनिंग शुरू हो गई। तो 5-6 महीने तो बाद इम्तिहान आया। तो उस इम्तिहान मेरी किस्मत में यह होया कि मैं पास नहीं बल्कि सारा तो फस्ट आया। तो मैं हैलेट प्राइज का इनाम भी मिलया। बहुत बड़ी जी ऑनर गिनी जाती है इंग्लैंड। उस तो बाद 6 महीने बाद मैं फाइनल ईयर के FRCA के इम्तिहान बैठा। तो उस भी मेरी खुशकिस्मती नाल उस भी पास हो गया। फिर मैं यानी जो 2 साल का कोर्स 3 साल का कोर्स सी वह 1.25 साल से खत्म हो गया। तो उस तो बाद वाइफ DCH लंडन कर रही थी डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ। तो वह अजे कोर्स खत्म नहीं होया। तो मैं क्योंकि इतने मेडिकल कॉलेज मेरी अपॉइंटमेंट हो रही थी तो मैं मजबूर कल आना पाया। तो वाइफ मेरी 4-5 महीने बाद वापस पिछे रही ताकि इम्तिहान दे सके। उस तो बाद अप्रैल 1956 वो भी वापस आ गई थी। उस आते फिर मैं मेडिकल कॉलेज 1 जनवरी 1956 मैं इतने रजिस्ट्रार आई डिपार्टमेंट लग गया। तो 6 सितंबर 1956 उस साल मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया। 6 सितंबर 1956 तो लैके 1965 तक मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर रहा। और 1965 आके फिर मेरा प्रोफेसर का चांस आ गया तो मैं प्रोफेसर बन गया। और 1966 जब पंजाब हरियाणा बनया तो उस तो बाद फिर डॉक्टर प्रेमचंद्रा जी हैड सी वो रोहतक चले गए। तो मैं इतने हैड ऑफ द आई डिपार्टमेंट बन गया। 1966 तो लैके रिटायरमेंट तक 31 अक्टूबर 1984 तक मैं इतने प्रोफेसर हैड ऑफ द डिपार्टमेंट रहा। उस तो पहला मई 1983 मैं प्रिंसिपल भी बन गया। तो जरा रिटायरमेंट तक प्रिंसिपल भी रहा। 1 साल बाद मेरी वाइफ की भी रिटायरमेंट हो गई। रिटायरमेंट तो बाद क्योंकि लोगों मेरा काम बहुत चलता रहा, कैंप कुंप लाए थे, बड़ी पॉपुलैरिटी सी, तो फिर मैं मजबूर अपनी प्रैक्टिस मेनटेन करनी पी। लोग इतने आने शुरू हो गए, काफ़ी ऑपरेशन होंगे होंगे सी, काफ़ी प्रैक्टिस रही। तो इस तरह मेरा चलता रहा। उस तो पहला 1971 मेरा बेटा पुष्पवंत सिंह आया। तो वह जब बड़ा होया तो यह भी 10वीं पास BPS करने तो बाद फिर 12वीं इन्हें महिंद्रा कॉलेजों की। तो फिर 1989 इनू मैं MBBS दाखिला कराता दावनगिरी। तो 1995 ये 2 साल बाद माइग्रेट करके पटियाले आ गया। तो पटियाले तो 1995-96 MBBS पास कर लिया। तो उस तो बाद फिर 1996 यह डॉक्टर जसबीर कौर की बेटी डॉक्टर मोना नाल हो गया। इस तरह घर साडा होर बढ़ गया। तो वाइफ भी रिटायर हुई भी सी, असी वो चलते रहे। पर 1994 वाइफ की हालत उन्होंने हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। हार्ट की प्रॉब्लम लैके असी एस्कॉर्ट्स गए, उसे बाईपास सर्जरी भी कराई। उसका काफ़ी रिलीफ मिल गया। एक दवाइया तो मैं बहुत खाने के बावजूद वो औखे रहते। 28 अगस्त 2001 उन्होंने डैथ हो गई।